Okay, let's start. I'll share my screen. So there are three questions in this paper. Let's start with the first one. ठीक है? ओके, अ कंपनी विशेस टू इन्वेस्ट इन अ फ्लीट ऑफ 50 व्हीकल्स फॉर यूज बाय इट्स वर्कफोर्स एंड विल चूज बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव व्हीकल्स फॉर द एंटायर फ्लीट, एन इलेक्ट्रिक व्हीकल और अ ट्रेडिशनल इंटरनेशनल कंबशन इंजन कार. द इलेक्ट्रिक व्हीकल इनकर अ हायर इनिशियल कॉस्ट दैन द ट्रेडिशनल वन but have a lower running maintenance cost. So this sheet gives us all the details. The company intends to run the fleet for a period of 5 years. It anticipates that the average annual mileage for each vehicle type will be 2000 miles, speed uniform over the year. Okay, so this is given to us. Calculate for each vehicle type the present value of the total cost of buying and running the fleet. You should use a discount data discount rate of 4.5%. So basically, क्या करना है हमें? We just need to find the present value of the cost and the running cost basically. ठीक है? तो let's do one thing. Let me open the workbook. ठीक है, मेक श्योर यू अनजिप इट इन योर एग्जाम. आई एम जस्ट एनी वेज इट्स फाइन, सो आई जस्ट अनजिप इट. हाउ टू अनजिप फॉर दोज हु डोंट नो, यू ऑल कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस एक्सट्रैक्ट ऑल एंड एवरी थिंग विल बी एक्सट्रैक्टेड वेर एवर यू हैव दिस फोल्डर, मे बी डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, वेर एवर, एंड देन गो टू द डाउनलोड्स एंड देन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम दैट पर्टिक्युलर डॉक्यूमेंट. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू अनजिप इट. सो एनी वन हैविंग एनी प्रॉब्लम इन अनजिपिंग प्लीज लेट मी नो बिफोर हैंड, बिकॉज दिस इज समथिंग इफ यू मिस आउट यूल योर एंटायर वर्क विल बी लॉस्ट. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन. सो इनिशियल कॉस्ट फॉर बोथ इज गिवन, रनिंग कॉस्ट इज गिवन, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड गवर्नमेंट टैक्स इज गिवन. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. वील टेक ऑल द कॉस्ट इन टू अकाउंट एंड स्टार्ट वर्किंग. सो सबसे पहले, ओके, सो दैट इज हाउ दे हैव मेड द इनिशियल टेबल्स. फर्स्ट दे हैव द इंटरनल कंबशन इंजन कार एंड देन दे हैव द इलेक्ट्रिक व्हीकल सेपरेटली. सो 5 years का निकालना है हमें. लेट्स स्टार्ट विद द इनिशियल कॉस्ट इज 30,000 पेबल एट द आउटसेट. सो 30,000 पेबल एट द आउटसेट. नाउ इफ यू जस्ट कम बैक टू द क्वेश्चन पेपर एंड इफ आई रीड इट अगेन, इट्स अ फ्लीट ऑफ 50 व्हीकल्स एंड वी नीड टू कैलकुलेट फॉर द इंटायर. दिस इज पर कार, सो दिस इज पर व्हीकल एंड वी हैव अ फ्लीट ऑफ 50 व्हीकल्स. ठीक है, सो मेक श्योर यू टेक दीज थिंग्स इन टू अकाउंट. सो हियर वॉट आई कैन डू इज मे बी आई कैन राइट नंबर ऑफ व्हीकल्स. ठीक है, विच इज 50 एंड द इनिशियल कॉस्ट इज कमिंग एज 30,000 ओवर हियर, है ना. सो यहाँ इनिशियल कॉस्ट क्या हो जाएगा, आई कैन रिमूव दिस वन लाइन. यहाँ इनिशियल कॉस्ट क्या हो जाएगा हमारा, टेल मी, 50 इंटू 30,000. ठीक है, ये हो गया हमारा इनिशियल कॉस्ट. देन द नेक्स्ट वी हैव रनिंग कॉस्ट पर माइल ड्रिवन. सो व्हाट इज इट, 0.15. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड.
Okay, so $0.15 initially, increasing by 4% annually. First increase at the start of the second year बोल रहे हैं, तो इसको कैसे लेंगे बताओ? एंड ये जो है ना 0. दिस इज रनिंग कॉस्ट पर माइल, तो हमने टोटल कितना माइल किया एवरी ईयर, एवरेज एनुअल माइलेज कितना बोल रहे हैं? 20,000. ये नहीं, उस रूम वाला, रूम वन वाला. तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्टार्ट विद द, इसको कॉस्ट को क्या नाम दिया इन्होंने, रनिंग कॉस्ट. सो रनिंग कॉस्ट आप लिख सकते हो पर माइल, ठीक है. एंड दिस इज हैपनिंग व्हेन, दिस इज हैपनिंग इनिशियली, फर्स्ट इंक्रीज एनुअली. तो इन्होंने इन्होंने कैसे किया है, कैन यू ऑल टेल मी व्हाट शुड बी डू, लाइक इज दिस अ रेट व्हिच इज हैपनिंग थ्रू आउट द ईयर, क्या बोला इसके बारे में? एवरेज एनुअल माइलेज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द ईयर बोल दिया है. सो जब भी स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द ईयर बोले तो कैसे करेंगे इसको, रनिंग कॉस्ट. ये पूरा साल हम लोग कौन सा फैक्टर यूज करेंगे, कैन एनी वन क्विकली टेल मी क्विकली. कंटिन्यूस वाला यूज करेंगे ना आंटी, ए बार हाँ वन. तो ए बार वन पूरे साल के लिए होगा, एंड वट एवर कॉस्ट यू गेट इज एट द स्टार्ट. सो एट स्टार्ट ऑफ योर लिख दें, एट स्टार्ट ऑफ योर लिख दें, इधर बोलो, एट स्टार्ट ऑफ योर लिख दें. तो ये कैसे होगा, हमारा कितना है, लेट मी रिमूव दिस नंबर ऑफ व्हीकल्स. 20,000 है माइल्स, एंड 0.15 pounds पर माइल है. सो वी नीड ए बार वन, वी नीड ए बार वन. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम चेंजिंग द चेयर. ओके, सो ठीक है, नाउ इट्स फाइन. सो दिस हमें चाहिएगा ए बार वन ना, ए बार वन कैसे निकालेंगे ए बार वन? वेरी सिंपल, अभी ये सब बेसिक चीजें आप लोग को एकदम फटाफट करनी है. वन माइनस वन प्लस आई होल टू दी पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय आई, ठीक है. एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ किया ना, ए बार वन इज एल एन होगा ना, वन प्लस आई. ठीक है, अभी डेल्टा होगा, राइट. सो ये आ गया. अब हम लोग सिंपली कैसे निकालेंगे, एंड दिस कॉस्ट इज आई थिंक इंक्रीजिंग बाय 4% एवरी फर्स्ट, मतलब सेकेंड ईयर से स्टार्ट होगा. तो क्या करेंगे, 20,000 मेक इट एब्सोल्यूट इनटू 0.15, मेक इट एब्सोल्यूट इनटू नंबर ऑफ कार्स, मेक इट, मेक श्योर यू टेक द नंबर ऑफ कार्स इनटू अकाउंट, इनटू ए बार वन, मेक इट एब्सोल्यूट. ये सारा हो गया. नाउ इनटू वन प्लस द इंक्रीज इज हैपनिंग बाय हाउ मच, हाउ वाज द इंक्रीज? इट्स बाय 4%. सो मैंने 4% लिया नहीं है, आई शुड हैव टेकन इट. आई विल जस्ट सेलेक्ट द सेल, मेक इट एब्सोल्यूट, मैं लिख दूंगी उधर 4%.
एंड देन दिस थिंग टू दी पावर क्या होगा, 1 माइनस 1. सो इनिशियली देर इज नो इंक्रीज हैपनिंग ऑफ 4%, बट देन आफ्टर दैट इंक्रीज विल टेक प्लेस. ठीक है. सो जस्ट ड्रैग इट डाउन, चेक योर आंसर्स. ऑल राइट, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट पर व्हीकल. सो दिस इज अगेन 500 पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, इंक्रीजिंग बाय 25 पर ईयर फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स. दिस इज एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि अब हम लोग सब कुछ स्टार्ट ऑफ द ईयर में करें. दिस दिस सो इट्स आइडियल कि हम लोग मेंटेनेंस कॉस्ट भी स्टार्ट ऑफ द ईयर में ले. ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट एट स्टार्ट, क्योंकि वो इजी रहेगा व्हेन यू टेक द डिस्काउंटिंग फैक्टर इनटू अकाउंट. ठीक है, सो ऑल राइट, सो ये हो जाएगा. दिस इज हाउ मच, दिस इज 500 एंड इंक्रीजिंग बाय 25. सो इट्स 500 एंड इट्स इंक्रीजिंग बाय 25. अगेन 500 मेक इट एब्सोल्यूट इनटू 20, इनटू 25 नहीं करेंगे. इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं पूरे चीज को, प्लस 25 करते हैं, प्लस 25 मेक इट एब्सोल्यूट. कैसे करेंगे बताना. 1 माइनस 1 कर दो. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 50, दिस इज नंबर ऑफ व्हीकल्स. देन मल्टीप्लाइड बाय, आप उसको लेके जा रहे हो एट द स्टार्ट, जल्दी आओ, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर. तो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कैसे लेके जाएंगे, इनटू वी कर देंगे. ठीक है, विच इज 1 प्लस i मेक इट एब्सोल्यूट टू द पावर -1. ऑल राइट, देख लो एंड यू ड्रैग, वेरीफाई योर आंसर. वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल पेपर है ये. उसके बाद नेक्स्ट वाला कॉस्ट इज गवर्नमेंट टैक्स ऑन एमिशंस पर व्हीकल. गवर्नमेंट टैक्स इज 50 पर व्हीकल पेबल एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ, विच इज अ फिक्स्ड कॉस्ट एंड इट्स नॉट इंक्रीजिंग. ठीक है, सो अगेन वी कैन से गवर्नमेंट, आप लोग पूरा गवर्नमेंट लिखोगे, टैक्स एट स्टार्ट ऑफ योर, इसको ऑन कर लो इस रिमोट से. सो हाउ मच इज द टैक्स, इट इज 50 पर व्हीकल. सो 50 पर व्हीकल एंड इट रिमेन्स फिक्स्ड. सो अगेन 50 मेक इट एब्सोल्यूट, मल्टीप्लाई इट विथ 500, 50. एंड अगेन यू कैन टेक दिस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर. बट यहाँ एक इश्यू है, अगर कोई मुझे बताए तो. इन्होंने क्वेश्चन में बोला है गवर्नमेंट टैक्स ऑन एमिशन पर व्हीकल 50 पर व्हीकल पेबल एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ बोला है, नॉट ईयर, ईच मंथ. तो 50 ईच मंथ में पे होगा, तो उसको कैसे कंसिडर करेंगे. अप्रैल 23, सितंबर 22 कर लिया था ना लास्ट क्लास. हाँ, तो क्या हो जाएगा, ए ड्यू वन फिर से बोलो. ट्वेल्व मैम, ए ड्यू 1/12 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे. ए ड्यू 1. अच्छा ठीक है, तो पहली बात एक काम करते हैं, इसमें हम लोग, आप बोल रहे हो ए ड्यू 1/12, करेक्ट, ए ड्यू 1/12. तो ए ड्यू 1/12 निकाल लो ना. ए ड्यू 1/12 के लिए हम लोग को क्या चाहिएगा, D12 चाहिएगा. सो D12 अलग से निकाल लेते हैं. D12 I दिया हुआ है, तो D12 कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 1 प्लस i, बोलो, टू दी पार -1/12 इंटू 12. ठीक
ठीक है, एंड देन यू हैव ए ड्यू 1, नहीं इसको अगर आप लोग लिखो 12 1, ठीक है, सो 1 माइनस 1 प्लस i, मेक इट एब्सोल्यूट, जरूरत नहीं है, होल टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय d12, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ईयरली अमाउंट लेना पड़ेगा, हम लोग को ईयरली, तो इनटू 12 कर दो, इनटू ए ड्यू 12 1, राइट, दिस इज व्हाट यू गेट एंड ड्रैग, किसको एब्सोल्यूट नहीं किया इसको, ओके, ये आ गया हमारा सारा। नाउ यू कैन टेक द डिस्काउंटिंग फैक्टर इन टू अकाउंट एंड ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस i, मेक इट एब्सोल्यूट, होल टू द पावर माइनस ऑफ द ईयर। शुरू वाला में क्या करेंगे, क्योंकि हमने सारे कॉस्ट स्टार्ट ऑफ द ईयर में लिए हैं, तो शुरू वाले में आप ये -1 -1 कर सकते हो, ठीक है, एंड देन यू कैन जस्ट ड्रैग, ऑल राइट, एंड देन यू हैव द फाइनल पीवी, विच इज यू एड ऑल ऑफ इट, पीवी ऑफ द कॉस्ट लिख देना, मैंने ऐसे नहीं लिखा है, इनटू द डिस्काउंटिंग फैक्टर, ऑल राइट। देख लो आंसर मैच करो एंड देन यू टेक आउट द ग्रैंड टोटल। सेम वील डू फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल, आई एम डूइंग इट क्विकली, 45,000 पेबल एट द आउटसेट बोला है, तो इसका इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई एज दे मेंशनड, है ना, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 45,000, 45,000 ये हो जाएगा अपना, एंड देर आर 50 व्हीकल्स इसमें भी, है ना, तो अगर आपको लेना है यू कैन टेक आइदर यहाँ पे, बट ठीक है 50 ऊपर लिखा हुआ है, सो एनी विच वे यू कैन डू दिस, सो दिस विल बी 50 into 45,000, ये हमारा हो गया इनिशियल कॉस्ट, देन अगेन रनिंग कॉस्ट इज 0.04, फिक्स्ड कॉस्ट है ये इंक्रीज नहीं होगा, पर माइल है, पर माइल दिया हुआ है 0.04, ठीक है, सो दिस मल्टीप्लाइड मेक इट एब्सोल्यूट, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स मेक इट एब्सोल्यूट, मल्टीप्लाइड विथ 2,000 मेक इट एब्सोल्यूट, एंड क्या जाएगा इधर बोलो, a बार 1, क्योंकि पूरे साल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है नंबर ऑफ माइल्स ड्रिवन, तो a बार 1 मेक इट एब्सोल्यूट एंड ड्रैग, देयर इज नो चेंज यहाँ पे, सो यू कैन जस्ट सिंपली ड्रैग, ओके, देख लो दिस इज रनिंग कॉस्ट, आई विल जस्ट कॉपी ऑल दिस, क्योंकि ये हमारा सेम है ना, सारे कॉलम हेडिंग्स, तो इसको अपने कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए बोल रहा है 150 पेबल मिडवे थ्रू द ईयर, इंक्रीजिंग 5% ईच ईयर फ्रॉम द सेकेंड पेमेंट ऑनवर्ड्स, तो ये मिडवे है, तो हम लोग को अगेन मेंटेनेंस कॉस्ट अगर हम लोग स्टार्ट ऑफ द ईयर में लाए, दिस इज 150 पर व्हीकल है, सो अगेन 150 मेक इट एब्सोल्यूट, मल्टीप्लाई इट विथ 50 मेक इट एब्सोल्यूट, क्या करना होगा मिडवे के लिए बोलो, वन प्लस आए मेक इट एब्सोल्यूट टू द पावर -0.5, ना आप स्टार्ट ऑफ द ईयर लेके आ रहे हो, तो -0.5 ये हो गया, बट अब इंक्रीज भी तो हो रहा है
है ना, ये पूरा जो फिगर है दिस इज इंक्रीजिंग ऑल्सो, तो इंक्रीजिंग बाय हाउ मच, 1 प्लस आई थिंक कितना परसेंट है इंक्रीज, 5% है क्या, 5% है, तो मैंने लिया नहीं है यहाँ पे, आई विल जस्ट टेक दिस 5%, इधर मैं लिख दूंगी बाद में, 5% टू दी पार क्या करना है, कभी इंक्रीज होगा नेक्स्ट ईयर से, सो दिस -1 देख लो, एंड देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5%, एंड देन आई ड्रैग, ठीक है ना, गवर्नमेंट टैक्स कुछ है नहीं इसमें, जीरो है, सो जस्ट राइट 0 एंड ड्रैग, डिस्काउंटिंग फैक्टर एकदम सेम है, तो आप जाके ऐसे करके ऊपर से भी ले सकते हो अगर आपका मन है, या फिर आप फॉर्मूला भी टाइप कर सकते हो योर विश, एंड पीवी इज अगेन द सेम, सो आई जस्ट गो अप, टेक द फॉर्मूला एंड पेस्ट, दिस इज टोटल वाला, एकदम टोटल, देख लो आंसर्स मैच करो, क्विकली फिनिश दिस, सेकेंड पार्ट बोला है इसी का है, इसी के अंदर है, 25 मार्क्स वॉज वेरी इजी, दिस वॉज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ कुछ चीजें जो ध्यान रखना था कि कैश फ्लोज कब हो रहे हैं, आप सब स्टार्ट ऑफ द ईयर ले जाओगे एंड देन आपको इजीली हो जाएगा, विथ रीजन अ सुटेबल टाइप ऑफ लीड बेस्ड ऑन योर आंसर, सो ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द आंसर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज लेस फॉर द कॉस्ट, सो वी विल रेकमेंड द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकॉज इट हैज अ लोअर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टोटल कॉस्ट, वॉट यू विल डू इज पार्ट 1 एंड 2 यही बोला है, तो आप लोग यहीं पे लिखोगे आंसर 2 एंड यू विल गिव द रिकमेंडेशन ओवर हियर बिकॉज वी हैव अ लोअर पीवी, ऐसे करके, देन द कंपनी विशेज टू कंसिडर हाउ इट्स एस्टिमेट ऑफ एनुअल माइलेज पर कार वुड इम्पैक्ट इट्स डिसीजन ऑन विच व्हीकल टाइप टू चूज फॉर द फ्लीट, तो अब उसको एनुअल में माइलेज पर कार के बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि कौन सा कार वो चूज करना चाहता है, डिटरमाइन द एनुअल एवरेज माइलेज, एनुअल एवरेज माइलेज पर कार विच वुड रिजल्ट इन द सेम कॉस्ट इन द प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स फॉर ईच फ्लीट, तो क्या करना है इस वाले पार्ट में बताओ, जस्ट अ 2 मार्क क्वेश्चन, क्विकली बताना क्या करेंगे, सेम शीट कॉपी पेस्ट कर लेंगे ये वाला, एंड इन दोनों पीवीज को इक्वल कर देंगे बाय चेंजिंग द एनुअल माइलेज विच इज 2000, तो 20,000, तो आप लोग इसको ये नहीं चेंज कर सकते या इसको ये चेंज नहीं कर सकते बिकॉज 20,000 पे दोनों डिपेंड हो रहे हैं, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल मेक अनदर सेल जहां पे हम लोग क्या करेंगे, जहां पे हम लोग ये ले लेंगे दोनों पीवी का माइनस कर देंगे, सो डिफरेंस, डिफरेंस इन पीवी ले लेंगे, दिस माइनस पूरा ऊपर, इन दोनों पीवी का डिफरेंस ले लेंगे, इसको जीरो करना है, बाय चेंजिंग माइलेज, 19,440 इज द आंसर, सो दिस इज द आंसर एट दिस माइलेज लेवल आपका दोनों का पीवी सेम आ रहा है, देख लो करो इसको, आ जाए तो एक बार यस लिखना चैट बॉक्स में ऑल ऑफ यू, वेरी इजी पेपर,
The company has now proposed to run the fleet for a shorter period and to take account of the sale proceeds when making the decision. It expects the residual value of the vehicles at the end of 3 years to be 40% of the original purchase price एंड 50% ऑफ दिस. तो हम लोग अभी जो हमने 5 साल के लिए किया था, अब हम खाली उसको 3 साल के लिए करेंगे. एंड आफ्टर द 3 ईयर एंड हम लोग बेच देंगे कार को. एंड जब बेचेंगे तो आपका जो ट्रेडिशनल कार है उसका 40% मिलेगा वापस, और इस केस में 50% मिलेगा वापस. सो अगेन मेक अ कॉपी, इस शीट को मैं डिलीट कर देती हूँ. अगेन मेक अ कॉपी ऑफ द फर्स्ट शीट इटसेल्फ, क्योंकि बोला नहीं है कि चेंज्ड माइलेज यूज करके करना है. सो अगेन मेक अ कॉपी ऑफ द फर्स्ट शीट इटसेल्फ एंड यहाँ पे व्हाट चेंजेस डू वी नीड टू मेक, वील जस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ इयर्स. ठीक है, तो ये जो फिफ्थ ईयर है ये तो पूरे तरीके से चला जाएगा हमारा. एंड यहाँ पे फोर्थ ईयर में, फोर्थ ईयर के स्टार्ट में समझ लो या थर्ड ईयर के एंड पे हम लोग उस कार को बेच देंगे. सो वी नीड टू क्रिएट वन मोर कॉलम व्हील क्रिएट, जहाँ हम लोग लिखेंगे सेल प्रोसीड्स, है ना. तो अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले कार का बात करें, ऑल दिस कॉस्ट विल नॉट बी देयर. ये जो है हमारा, ये यहाँ पे देर इज नो चेंज, यहाँ पे देर इज नो चेंज. तो ये अगर आप लोग क्विकली फॉर्मूला खाली वेरीफाई कर लेना, बट देर इज नो चेंज. एंड हमें बोला है कि 40% ऑफ द व्हीकल का जो भी वैल्यू है वो हमें मिलेगा. तो 40% ऑफ वॉट? 40% ऑफ ओरिजिनल परचेज प्राइस, मतलब कि जो इनिशियल कॉस्ट हमारा लगा था. सो विच इज दिस 40% इनटू, या इनटू 15 लाख्स, और यू कैन जस्ट डू 30 इनटू 50, सेम थिंग. यू कैन आल्सो हैव सिलेक्टेड दैट, नो वरीज. ये अब हमारा कॉस्ट नहीं है, ये इनकम है. तो क्योंकि हम पूरा कॉस्ट का करें, यू कैन डू वन थिंग, यू कैन सब्ट्रैक्ट दिस एंड लेट्स डू वन थिंग, इसको हम माइनस लिख देते हैं इधर, क्योंकि पूरा कॉस्ट में वर्क कर रहे हैं ना. तो ये ऐसे निकाल के इसमें ड्रैग कर देती हूँ, एंड दिस बिकम्स योर सम. सो नाउ दिस इज द पीवी आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट, दिस इज योर पीवी आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द सेल्स. वेरी इजी, मतलब दिस पेपर 42 मार्क्स वॉज अ गिफ्ट, एकदम मक्खन के जैसा इजी था ये वाला. ठीक है, इसका मतलब आपका पेपर ये डिफिकल्ट आएगा. क्या अरे, जो बात है वो बात है. नेक्स्ट इज 50%. सो इसको अपने कर लेते हैं 50%. तो ये मैं ले लूंगी 50% ऑफ द इनिशियल डर, विच इज दिस. सो ये आ रहे हैं, माइनस करना होगा, करेक्ट. भाई मैं सोची इतना ज्यादा कैसे आ गया ये. ठीक है, 13. तो अगेन ये वाला बेटर है. अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गिव यू द लोअर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टोटल कॉस्ट, देयरफॉर वी विल रेकमेंड द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ऑब्वियसली, हाँ, ठीक है ना. अब एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं लास्ट वाला पार्ट, एंड देन वील मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. डिस्कस द सूटेबिलिटी ऑफ दिस मॉडल एज अ टूल फॉर हेल्पिंग द कंपनी सिलेक्ट. अभी 6 मार्क्स का है, तो ऑब्वियसली दे एक्सपेक्ट यू कि आप इसमें अपार्ट फ्रॉम द मॉडल इटसेल्फ कुछ आप एडिशनल भी बोलो रिलेटेड टू मॉडल. तो हम लोग पूछा है सूटेबिलिटी बताने इस मॉडल का, कि ये जो पीवी हमने निकाला, ये जो पीवी प्रोसेस है निकालने का, ये कितना सूटेबल है फॉर अस टू फाइंड द, मतलब टू सजेस्ट कि कौन सा बेटर है. तो क्या क्या बोलोगे आप? हमने इस, अच्छा पहले तो हम लोग इस मॉडल का तारीफ कर देते हैं.
तो इस मॉडल में क्या क्या हमने लिया है? इट्स अ सिंपल मॉडल, इजी टू अंडरस्टैंड. वी हैव टेकन ऑल द कॉस्ट इनटू कंसिडरेशन. उसके बाद और वी हैव टेकन ऑल द, बोलो और क्या बोल सकते हैं? हाँ, विजिबिलिटी ऑफ कैश फ्लो. तो इसको हम लोग और अच्छे से कैसे बोल सकते हैं कि मॉडल में सिंपली कंपेयर कर पा रहे हैं इंडिविजुअल कॉस्ट को, मेंटेनेंस, इनिशियल टैक्स, इसको आप इंडिविजुअली आप कंपेयर कर पा रहे हो, तो एक लेमैन को समझ में आने में इजी रहेगा. ठीक है, एक टाइम स्केल डिसाइड करना पड़ेगा कंपनी को कि 5 साल करना है, 3 साल करना है. उस हिसाब से आपका पीवी चेंज होगा, उस हिसाब से हो सकता है आपका जो डिसीजन है वो भी चेंज हो. आपने जब 5 साल का लिया, 5 साल में हमने रेसिडुअल वैल्यू को कंसिडर नहीं किया. अगर हम लोग 5 साल में रेसिडुअल वैल्यू कंसिडर करते तो कुछ अलग हो सकता है हमारा आंसर आता. नाउ अ मॉडल इज ऑलवेज एज गुड एज इट्स अजम्पशंस. आप लोगों ने अभी तक वो थ्योरी चैप्टर नहीं किया है ना CM1 में, वी विल डू दैट एक्चुअली. बट सुन लो, तुम लोग ये जो सुनोगे ना, तो वो थ्योरी चैप्टर एनीवेज इजी हो जाएगा. एक आप चैप्टर रीडिंग करते हो और एक आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके जब करते हो, देर इज अ डिफरेंस. ठीक है, तो और क्या बोलेंगे? अ मॉडल इज एज गुड एज इट्स अजम्पशन. जो भी आपने अजम्पशंस लिए, हमने क्या अजम्पशन लिया बताओ इधर, कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल पे टैक्स नहीं लगा रहा है. हो सकता है फ्यूचर में वो टैक्स लगा दे, उसका माइंड चेंज हो जाए, या वो इंसेंटिव दे दे, सब्सिडी प्रोवाइड कर दे. हमने खाली यही सारे कॉस्ट कंसिडर किए. हो सकते हैं देर इज अ ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज अ न्यू थिंग. हो सकता है फ्यूचर में जाके आफ्टर 2 ईयर्स कुछ उसमें इश्यू आ जाए, तो वो वाला कॉस्ट हमें कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, और इतना जो ह्यूज इसमें इनिशियल कॉस्ट लग रहा है, क्या ये कंपनी के पास अवेलेबल होगा या नहीं होगा, ये हम लोग को कंसिडर करना है. और बोलो, तो कंपनी को बोरो करना पड़ेगा फंड्स. इज द कंपनी एबल टू फॉल बोरो दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी? व्हाट एल्स बोलो? इसमें हम बोल रहे हैं कि कंपनी या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्ट करेगा या इसमें. हो सकता है कंपनी मिक्सचर ऑफ टू में इन्वेस्ट करे, कुछ व्हीकल्स वो इसके ले लेगा, कुछ व्हीकल्स इसके ले लेगा, तो एक मिक्स हो जाएगा. क्या उसके पास सफिशियंट फंड्स है फ्यूचर में, जो भी फ्यूचर के कॉस्ट लग रहे हैं उसको मीट करने के लिए? अंडरस्टैंडिंग ऑल द पोटेंशियल कॉस्ट. इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमें क्या चाहिए होता है? चार्जिंग पॉइंट्स. सो इज देयर, आर देयर सूटेबल चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल? इफ नॉट, तो उसको क्या करना है? पार्किंग स्पेस में डिफिकल्टी हो सकता है, दोनों का पार्किंग स्पेस रिक्वायरमेंट अलग हो. तो जो मॉडल है ना, आप कितना उसके डीप जाके आंसर कर सकते हो. बेसिक कुछ कुछ होते हैं, कैश फ्लो, कंपैरिजन, टाइमलाइन, अजम्पशंस, तो ये सब कुछ कुछ बेसिक, नीड ऑफ फाइनेंस, ये सब कुछ कुछ बेसिक है. बट अदरवाइज यू नीड टू, एंड ये 6 मार्क्स का है, तो यहाँ पे यू नीड मिनिमम, मतलब 6 पॉइंट्स तो मिनिमम बोलते हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही लिखते हैं. मैं सजेस्ट करती हूँ 12, क्योंकि हम हमेशा हर पेपर में 1 पॉइंट का 1.5 ही मार्क्स मिलता है, तो आइडियली इट शुड बी 12 पॉइंट्स. ऐसे 12 लाइंस लिखना है. ठीक है, अंडरस्टूड. रिप्लेसमेंट ऑफ बैटरी आफ्टर सम यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वेरी गुड मिताली. हाँ, तो हमने सारे सर्कमस्टांसेस इनटू अकाउंट लिए हैं कि नहीं, कि रेन में अगर कोई इश्यू, रेन टाइम में या इन सम काइंड ऑफ वेदर कंडीशंस इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसा परफॉर्म करे, कैसा नहीं करे, तो वो सब भी हमें कंसिडर करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. अब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो. हाँ, स्टार्ट करो, बाकी लोग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करना.
नेक्स्ट इज अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गया. अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इशूज अ 15 ईयर यूनिटाइज्ड विथ प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट टू अ पॉलिसी होल्डर. इसका ना एक पॉइंट बढ़ा दो ना, 26 कर दो इसको. अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इशूज अ 15 ईयर यूनिटाइज्ड विथ प्रॉफिट टू अ पॉलिसी होल्डर करंटली एज 50 एग्जैक्ट. द बेसिक पॉलिसी इंफॉर्मेशन आई द बेसिक पॉलिसी इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर. द यूनिट प्राइस इंक्रीजेस ईच ईयर इन लाइन विद द कंपनीज डिक्लेयर्ड बोनस इंटरेस्ट रेट. यू शुड इग्नोर द नॉन यूनिट रिजर्व्स. कैलकुलेट द यूनिट कैश फ्लोज फॉर ईच ईयर ऑफ द पॉलिसी पर पॉलिसी इन फोर्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर. निकालो खुद से. चलो ट्राई करो तो खुद से करने का. बेस वर्कशीट अगर समझना है तो क्विकली समझ सकते हैं. तो हमें नॉन यूनिट सॉरी यूनिट कैश फ्लोज निकालने हैं. पहले प्रीमियम दिया है, डेथ बेनिफिट दिया है विच इज द यूनिट फंड वैल्यू, पेड एट द एंड ऑफ द ईयर. मेच्योरिटी बेनिफिट इज अगेन द यूनिट वैल्यू. सरेंडर इज ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर. सरेंडर बेनिफिट इज द यूनिट फंड लेस पेनल्टी. पेनल्टी इज अ प्रॉफिट टू अस विच इज 15%. चार्जिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एलोकेशन रेट, पॉलिसी फी, बिड ऑफर, प्रॉफिट टेस्टिंग के अजम्पशन दिए हुए हैं एंड लाइफ टेबल दिया हुआ है. डिपेंडेंट रेट्स दिए हुए हैं दोनों, तो हमें निकालना नहीं है. वी कैन स्ट्रेट अवे यूज दिस. कितना ईयर्स का है? 15 ईयर्स. ठीक है, अच्छा दे हैव मेड इट. सो 15 ईयर्स का है. पहला इज कॉस्ट ऑफ एलोकेशन. कॉस्ट ऑफ एलोकेशन कैसे निकालते हैं? प्रीमियम इन, एक सेकेंड रुको, आई विल जस्ट ज़ूम इन. ठीक है ना. प्रीमियम इनटू एलोकेशन रेट विच इज 70% और बिड ऑफर माइनस होगा 1 माइनस बिड ऑफर. बिड ऑफर को एब्सोल्यूट. ये वाला सेकेंड, ये फर्स्ट ईयर के लिए था क्या? खाली 70 एंड फिर ये 100 हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है कि आप उसको लोगे नहीं. आप 100% मल्टीप्लाई कर देना. नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट अगेन करोगे तो बेटर है. Just make sure you make everything absolute. ठीक है. Next is fund at the end of the year before deduction of policy fee, which is this into कितने से grow करेगा? 1 plus क्या दिया हुआ है? ये वाला. और भी कुछ होगा क्या? नहीं, सब कंफ्यूजन करने के लिए ना नया नया वर्ड्स दे देते हैं. यूनिट फंड बोनस और ऐसा ऐसा. ठीक है. इसमें खाली ये प्लस हो जाएगा. इसको प्लस करेंगे ना. पॉलिसी फी क्या होगा? क्या बोला है पॉलिसी फी के लिए? 1.2% ऑफ द बिड वैल्यू ऑफ द यूनिट फंड डिडक्टेड एट द एंड बाय कैंसिलिंग द यूनिट्स. तो इसका क्या मतलब होता है बाय कैंसिलिंग द यूनिट्स? अरे बोलो. कैंसिलिंग द यूनिट्स का क्या मीनिंग होता है? कैंसिलिंग द यूनिट्स का क्या मीनिंग है?
उस यूनिट फंड से माइनस हो जाएगा और क्या। मेरे को लग रहा है कुछ इश्यू है क्या, कुछ गलत हुआ है लगता है। एक ये भी तो ग्रो करेगा ना, इसको भी तो ग्रो कराना होगा। मैंने इसको ग्रो नहीं कराया। अरे ये भी तो ग्रो करेगा यूनिट फंड एट द प्रीवियस वाला। ठीक है देख लो, फिर भी कुछ गलत है लगता है अब। मैम पॉलिसी फी जो है वो कांस्टेंट है। नहीं समझ में आया क्या। अच्छा पॉलिसी हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। ये ऐसा क्यों हो गया मेरा, मैंने अच्छा ये शो हो गया ना, मैंने इसको पता नहीं कैसे पेस्ट कर दिया, पेस्ट एज वैल्यू कर दिया मैंने, तो ये सब इशू हो जाता है एग्जाम में। ठीक है देख लो, अब सही है, बेसिक आ गया सबका, देख लो एक बार। खाली ये वैल्यू अपना डिफरेंट है ना, तो इसीलिए मैंने इसको ये कर दिया। नेक्स्ट करते हैं, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नॉन यूनिट कैश फ्लो फॉर ईच ईयर पर पॉलिसी इन फोर्स एट द स्टार्ट ऑफ द। अब यहाँ पे रिजर्व्स नहीं बनाना है, सो रिजर्व्स हम लोग कंसिडर करेंगे ही नहीं, वी कैन जस्ट स्ट्रेट अवे कैलकुलेट द नॉन यूनिट कैश फ्लो। देखो आधा अधूरा बना के दिया इन्होंने, सो प्रीमियम लेस कॉस्ट ऑफ एलोकेशन इज 2000 माइनस दिस आ गया। सो आई विल जस्ट टेक दिस एंड पुट इट हियर। ठीक है अभी नेक्स्ट रिन्यूअल, पहला वाला रिन्यूअल क्या बोला है। तो 300 है, फिर उसके बाद है 250 एंड मेक इट एब्सोल्यूट। ठीक है ना, एंड ड्रैग। इंटरेस्ट वो नहीं है क्या, कमीशन। इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 2.5। पॉलिसी फी अपने यहां से ले लेंगे माइनस करके।
मतलब वो ठीक है, माइनस तुम लोग कैश फ्लो में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मतलब ऐड होगा कैश फ्लो में। पॉलिसी फी के बाद नेक्स्ट उसके बाद, अब बोल बताओ इसके बाद नेक्स्ट क्या डालेंगे? क्या हम लोग डेथ कॉस्ट, एक्स्ट्रा डेथ कॉस्ट, एक्स्ट्रा मैच्योरिटी कॉस्ट लेंगे? देख के बताओ क्वेश्चन में। नहीं, क्यों नहीं लेंगे मिताली? मैम, बिकॉज उसमें दिया है कि जो भी हमारा यूनिट फंड वैल्यू रहेगा उसी को लेना है, तो एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं वेरी गुड, करना। कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं ना, यूनिट फंड जो है वही दे देंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव यूनिट फंड वाला चीज है वो तो है ही नहीं, तो वो लेना ही नहीं है। सरेंडर का क्या लेंगे? सरेंडर पेनल्टी विच इज अ बेनिफिट फॉर अस, तो सरेंडर पेनल्टी ले लो। सरेंडर पेनल्टी, सरेंडर पेनल्टी कैसे डिटरमाइन हो रहा है? हाँ, बट ऐसा नहीं कि हम लोग उसका कॉलम नहीं बनाएंगे, कॉलम्स आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, कॉलम्स आपको बनाने पड़ेंगे। सरेंडर पेनल्टी का अमाउंट बताओ तो क्या है, कितना परसेंट? 15% ऑफ, और फंड एट द एंड, ये वाला, बट लास्ट ईयर में जीरो कर देना पर्पसली, क्योंकि लास्ट ईयर में सरेंडर हो नहीं सकता, कोई स्टूपिड ही होगा जो लास्ट ईयर में जाके सरेंडर करेगा। तो इसको हम लोग लास्ट ईयर में जाके जीरो कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग डिपेंडेंट मोर्टैलिटी, अगर डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज अगर लेना है इस शीट से, A50 से ही है तो लेना है तो ले सकते हो, वरना नहीं भी लोगे तो चलेगा, ठीक है। थैंक यू, इतना नहीं, थोड़ा कम कर दो। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। डिपेंडेंट डिपेंडेंट मोर्टैलिटी ले लो पहले तो। A50 तो है ना, एक बार वेरीफाई करो ना। अब एक्स्ट्रा डेट कॉस्ट, एक्स्ट्रा मैच्योरिटी कॉस्ट, ये सब लिख रहे हैं क्योंकि, और क्या आ जाएगा इधर? पेनल्टी बेनिफिट, सरेंडर बेनिफिट, सॉरी, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड सरेंडर बेनिफिट, फिर यूनिट कैश फ्लोज, एक्सपेक्टेड नॉन यूनिट कैश फ्लोज वर्ड यूज करना, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेड यूज करना, EEDC लिखते हैं ना, तो मेक श्योर आप लोग वो पूरा पूरा लिखो। कैसे लिखेंगे? जीरो जीरो, ठीक है। सरेंडर प्रॉफिट बना, हाँ देखो, हो सकता है ना 0.51 मार्क दे दे, इसीलिए सरेंडर पेनल्टी 1 मार्क तो रहता ही है हर कॉलम का। सरेंडर पेनल्टी इनटू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी
ठीक है, बस हो गया, ड्रैग करो, लास्ट वाला अपने आप देखो जीरो है। अब नॉन यूनिट कैश फ्लोज बताओ कैसे निकालेंगे। एक और चीज है, क्योंकि क्लेम एक्सपेंस है शायद, देखो एक्सपेक्टेड है ना, ये हमने स्किप कर दिया। क्लेम एक्सपेंसेस कितना है? 400 ऑन ऑल मेच्योरिटी डेथ सब कुछ। सो दिस इनटू दिस मेक इट एब्सोल्यूट इनटू दोनों चीज, डेथ में भी प्लस सरेंडर, बस खाली लास्ट वाला अपना चेंज होगा। लास्ट वाला तो होगा ही होगा, फॉर श्योर है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले में ये जो इनटू प्रोबेबिलिटी है वो पार्ट हटा देंगे, नहीं आएगा। क्यों? मेच्योरिटी पे भी तो है, डेथ पे भी तो है, इनटू वन होगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका, सारे चीजों को लेना है, इसीलिए ना इन लोग माइनस लेते हैं ताकि सबको ऐड कर देते हैं, इजी हो जाते हैं। ऐसे क्या प्लस माइनस करना पड़ता है? प्लस पॉलिसी फी, नहीं ये वाला नहीं लेंगे। माइनस दिस प्लस पेनल्टी माइनस दिस एंड यू ड्रैग, मैच द आंसर्स। ठीक है ना, जो जो थोड़ा अलग है उसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट करें, एक बार यस लिख दो अगर हो गया यहां तक। मैम, जो सरेंडर बेनिफिट में जो लिखा है यूनिट वन लेस सरेंडर पेनल्टी, तो उसका मतलब क्या हुआ फिर? फिर से बोलना। मैम, जो सरेंडर बेनिफिट में लिखा हुआ है यूनिट फंड वैल्यू लेस, हाँ, तो मैम उसका मतलब इसका कौन एडजस्टमेंट। समझाएगा मीनिंग? मतलब अगर तुम सरेंडर करती हो तो तुमको जितना यूनिट फंड अक्यूमुलेट हुआ है दैट माइनस द बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट पेनल्टी मिलेगा, पेनल्टी इज 15%, तो तुमको कितना मिलेगा? 85% मिलेगा। तो जो 15% बच गया वो तो मेरा प्रॉफिट हो गया ना, इसीलिए सरेंडर बेनिफिट लिख रहे हैं। यस क्लियर? मैंने क्या समझाया था, एक क्लास में समझाया था ना, यूनिट फंड 100 है, 100 के ऊपर जो भी देते हैं वो हमारा कॉस्ट है, 100 के नीचे जो हम देते हैं वो हमारा प्रॉफिट है, बेनिफिट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज कैलकुलेट द पीवी। अरे यस लिखो भाई, हुआ है कि नहीं, करो इसको। जिनका हो गया है वो नेक्स्ट पीवी ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम पॉलिसी एट द आउटसेट निकाल लो। तो ये यहां तक आ गया, अब आपको स्ट्रेट अवे प्रॉफिट वेक्टर सिग्नेचर एंड एनपीवी निकालना है, खत्म, इन द नेक्स्ट शीट। इन्होंने बना के भी दे दिया है, प्रॉफिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट वेक्टर तो यहाँ पे एक यूनिट नॉन यूनिट फंड ही हमारा प्रॉफिट वेक्टर रहता है हमेशा, है ना? तो इसको आप ड्रैग कर दो, खाली देख लो। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी इन फोर्स एट द स्टार्ट। तो ये हमारा शुरू वाला वन है,
दूसरा वाला क्या होगा? दिस इनटू वन माइनस, ना ही मरा ना ही सरेंडर हुआ, विच इज दिस माइनस दिस. सॉरी, प्रॉफिट सिग्नेचर इज दिस इनटू दिस. देख लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, वेरी गुड, आरडीआर. ये बहुत ही इजी पेपर नहीं था? जो भी लोगों ने इस टर्म में दिया था, दे वर वेरी लकी. यहाँ पे माइनस वन लेना है कि नहीं? एट द एंड ऑफ द ईयर है सारा कैश फ्लो, तो लेना है. ये चीज कंफ्यूजन जो होता है, मन से निकालो. जो इस पेपर में भी घबराया होगा ना, वो पढ़ाई नहीं किया ठीक से. एक्चुअली क्या हम लोग को प्रॉफिट मार्जिन निकालने बोला है कि खाली एनपीवी? क्यों बोलेंगे निकालेंगे ऑफ द प्रॉफिट? अच्छा एक सेकेंड, बस हम लोग को प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ही नहीं है, तो हमें खाली इसका सम करना है, क्योंकि बोला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, बस. तो इसी का सम. इसमें तो प्रीमियम्स अकाउंटेड है ही ना? नहीं, ठीक है. सो बेसिकली दिस इज आर एनपीवी, 136.14. ये सब एग्जाम में मत करने बैठ जाना, इतना टाइम होगा नहीं तुम लोगों के पास. नहीं, डिस्काउंटिंग ये सब में नहीं लगेगा ना. आगे आंसर देख लो. देखो बोलो कौन सा. तुम लोग थर्ड क्वेश्चन करो, जिनका हो गया वो खुद से थर्ड क्वेश्चन करो. अभी खुद से कर सकते हो. आज हम लोग सारे पास्ट पेपर्स खत्म करेंगे, फिर तुम लोग आजाद हो. नहीं, वाई वन वाई टू बचेगा, वो करेंगे हम लोग, बट नॉट नाउ. तुम लोग का एग्जाम कब है? ओ माय गॉड, हाउ मेनी वीक्स? 1 2 3 4. फोर क्यों? थ्री क्यों समझे भाई, क्यों समझे? थ्री, 4 वीक्स है, 8 और 9. तो तुम लोग इस 4 वीक्स में क्या करेगा? ठीक है, एक बार तो तुम लोग क्लास में कर ही लिए. हाँ, अरे तुम लोग को आ गया है ना क्वेश्चन, न्यू नहीं है. नाउ इट्स नॉट न्यू टू यू. और फिर किसका? ठीक है, हाँ. और मूवी, अभी इतना सारा मूवी आया नया नया, आर्टिकल 370, मस्त मूवी है, देख लिया. ऐसे मेरा मन नहीं था देखने का, बट पीयर प्रेशर में देखना पड़ा मेरे को. मेरे को आई डोंट लाइक गोइंग टू मूवी हॉल्स एंड वॉचिंग मूवी. मुझे ऐसे व्हेन आई एम सिटिंग, मतलब ऐसा मेरा आदत हो गया है कि ऐसा होता है कि ऐसे कोई सॉन्ग आता है तो ऐसा लगता है इसको फॉरवर्ड कैसे करें. वो इतना गंदा आदत हो गया ना ऐसे सॉन्ग फॉरवर्ड करने का. 2x तो चलो नहीं फिर भी, बट नेटफ्लिक्स पे देखने का आदत हो गया तो, या फिर घर पे भी, तो ऐसे इसको फॉरवर्ड, मन करता है इसको फॉरवर्ड करे, बट कैसे करे उस समय फॉरवर्ड? फालतू का वो गाना चलाएगा. वो नहीं देखा, आर्टिकल 370 देखा है, बहुत अमेजिंग. इट्स लाइक रियली गुड, सबका एक्टिंग बहुत अच्छा है उसमें. अब स्टोरी क्या है, कितना रियल, कितना क्या, नो कमेंट्स ऑन दैट. ऐसे भी ये वीडियो डलेगा अभी यूट्यूब में, फिर कमेंट्स आ जाएंगे कुछ. बस चलो बोलो यस नो. नैनिका, अंजलि, नयन, उदय, मिताली, प्रशिता, काशवी, जयवी, चंचल, रनीशा, कीर्ति, आदित्य. देखा, नाम याद है. मैम, एक बार फाइनल आंसर एक क्वेश्चन. इसे सबका नाम तुम लोग का पब्लिक हो गया है.
हाँ आदित्य तो बहुत कॉमन है, कीर्ति इज ऑल्सो कॉमन, कीर्ति कीर्ति कृति वेरी कॉमन, बट कीर्ति बोलना इज इजी देन कृति। अरे तो क्योंकि हम लोग की कॉ स्टूडेंट है कृति, हाँ तो वो ऐसे हो जाते हैं। ठीक है करो स्टार्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो रीड करो होता है क्या खुद से। ओके 32 मार्क्स का। अ कंपनी हैज प्राइवेटली इशू 3 फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड्स विथ टर्म 10 इयर्स, 15 इयर्स एंड 25 इयर्स रिस्पेक्टिवली। द बॉन्ड्स ऑफर डिफरेंट कूपन्स विच आर पेड हाफ ईयरली। द फर्स्ट कूपन टू बी पेड इन 6 मंथ्स टाइम। मेरा आई डोंट नो वाई बट मुझे पर्सनली बॉन्ड्स के सम्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। तो कंपनी ने इशू किया है 3 फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड्स, ये तीनों टर्म का, और तीनों में हाफ ईयरली कूपन है। फिक्स इंटरेस्ट है मतलब सेम कूपन चेंज नहीं होगा। द कूपन रेट्स रिडेम्पशन सब कुछ दिया हुआ है। कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ ईच बॉन्ड, अगेन अ ड्यूरेशन क्वेश्चन। डीएमटी, डीएमटी इज व्हाट लास्ट क्लास किए थे, टाइम इनटू पीवी। सो टाइम इनटू पीवी डिवाइडेड बाय पीवी, इट्स बेसिकली एवरेज ऑफ टाइम वेयर, वेटेड एवरेज टाइम वेयर योर वेट्स आर प्रेजेंट वैल्यूज, सिंपल। चलो कर लेते हैं एक एक करके, 3 बॉन्ड्स हैं तो तीनों का अलग अलग हमें करना होगा। आ जाओ तो यहाँ हम लोग को देखो क्या क्या दिया हुआ है। स्पॉट रेट्स हाफ ईयरली स्पॉट रेट्स दिया हुआ है, ये कूपन रेट्स दिया हुआ है, कूपन आर पेड हाफ ईयरली विद द फर्स्ट कूपन इन 6 मंथ्स टाइम, ऑल आर रिडीम्ड एट पार, एंड ये अपने क्वेश्चन 3 के लिए अलग से है। यहाँ पे भी इन्होंने दे दिया है। सो लेट्स डू वन थिंग, अपने तीनों बॉन्ड्स का सेम शीट में ही करना पड़ेगा। तो अपने यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, 1 प्लस दिस टू द पावर माइनस ऑफ द योर, है ना, सिंपल एंड ड्रैग। ठीक है पहला वाला इज 10 इयर्स का है ना, तो इसको 10 इयर्स वाले का करते हैं। क्या क्या चाहिए हमें, कैश फ्लो चाहिए विच इंक्लूड्स योर रिडेम्पशन एट पार है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर हमें चाहिए पीवी, फिर हमें चाहिए वो वाला न्यूमरेटर ऑफ डीएमटी। सो न्यूमरेटर, या फिर इन्होंने लिखा है पीवी वेटेड बाय टाइम। वेटेड बाय टाइम क्यों लिखा है, गलत लिखा है इन्होंने, न्यूमरेटर ऑफ डीएमटी लिख रही हूं मैं, तो बेस्ट है। ठीक है कितना परसेंट है कूपन रेट, 1.5% कूपन रेट है, और कितना नॉमिनल, कौन बोला तुमको ये चीज 100, पाउंड्स की डॉलर्स, चलो कैश फ्लोस कैसे निकालेंगे, 100 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 2, खत्म कहानी, और क्या, खाली जो लास्ट, कितने साल का है, तो इसको पूरे नीचे तक मत ले जाना भूल से। एंड देन 10th ईयर में क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस पूरा रिडेम्पशन इज ऑन पार, तो ये हो जाएगा है ना। फिर दूसरा पीवी इज दिस इनटू डीएफ, न्यूमरेटर इज दिस इनटू टी, इससे इजी मैंने जीवन में एक भी सब नहीं किया है।
match your answers quickly. Same do for all the other. So what I'll do is I'll just take a copy and paste, add, paste. नहीं दिखा सकते, तुम सोचो क्या होगा। दीदी हेल्प करो उसको। अब कैश फ्लोज हो जाएगा दिस एंड दिस एंड दिस विल गो अप टिल 15 इयर्स। एक फीडबैक चाहिए से मन का बात कि तुम लोगों को कैसा लगता है मैं पढ़ाई पढ़ाना ऐसे, मतलब तुम लोग बुराई भी कर सकते हो, मतलब क्या बोलेंगे थी। इतना तारीफ नहीं करना चाहिए, इतना तारीफ मत करो। जी, इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग सर के लिए कुछ बोलो। तुम लोग को पता नहीं है कि मैं आई जस्ट पास एवरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर टू देयर। ज्यादा ही बोल रही हो अब। इनका तरीका थोड़ा अलग है, मैंने अलग किया क्योंकि मैं तुम लोगों का फीलिंग समझती हूँ, तुम लोग भी इसी फीलिंग के साथ करोगे सम, ठीक है ना। तुम लोग भी इतने स्मार्ट नहीं हो, हम लोग भी इतने स्मार्ट नहीं है। 1.75% मैंने क्या क्या करवा रहे हैं सच्ची में, एकदम इतना इजी, एकदम मक्खन। मतलब अगर इस पेपर में जिसका 80 अबव आया, जिसका नहीं आया मतलब वो नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है, क्योंकि इतना इजी फर्स्ट क्वेश्चन तो एक्सट्रीम इजी। खाली आई फील फर्स्ट क्वेश्चन का जो 6 मार्क है वहां तुम लोग समझ लो कि अगर कुछ भी रबिश लिखोगे तो नहीं मिलेगा, बट बाकी तो पूरा भाई। सेकंड भी इजी। हाँ भाई, अब इसमें भी अगर तुम लोग बोलेगा कि मतलब डिफिकल्ट अगर है तो कुछ नहीं बोल सकते, फिर कुछ नहीं हो सकता इसके बाद। ये कितना इयर्स है, लास्ट वाला 25 इयर्स है। कहाँ है 25? बस यहाँ मैंने थोड़ा बेवकूफी किया, मुझे डीएफ के कॉलम को फिक्स कर देना चाहिए था, बट चलो कोई नहीं। एंड समहाउ आई फील कि ये भी मेरा गलत ही है क्या? नहीं, आंसर्स ये वाला थोड़ा ड्रैग होगा नीचे। मैच योर आंसर्स। ये अब क्या होता है पता है, जो क्योंकि जब इजी पेपर आते हैं ना तो हम थोड़ा बौखला जाते हैं कि इजी कैसे आ गया, और हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ये छोड़ देते हैं। बट इसके बाद यहाँ आप लोग को ये नहीं पता कि आंसर खत्म नहीं हुआ, हमने अभी तक ड्यूरेशन एक्चुअल में निकाला नहीं है, है ना। सो 10 ईयर, 10 ईयर बॉन्ड, अबे 10 ईयर बॉन्ड, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी जस्ट कॉपी दिस। शॉर्टकट अपनाना ही है लाइफ में तो अच्छे से अपनाओ, स्मार्टली अपनाओ। कैसे निकालेंगे सारे का? दिस
सीएमएन पढ़ा के काफी अच्छा लगा मुझे. मिलेंगे अगले टर्म दूसरे पेपर में. CM2, कुछ CS1, कुछ CS2, सब मिक्स्ड है इधर. बट मोस्टली CA1 के बाद CS1 में जाते हैं स्टूडेंट्स, या CS2 में जाते हैं. मैच कर लो भाई आंसर एंड यस लिख दो, फिर नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे. आदित्य सोच रहा है मैम को कैसे पता कि मैम से ही पढ़ेंगे. क्या बोला? उसके बाद CS2, CM2 नहीं, CM2 में कुछ CS2 का चेली रहता है. तो मेरे को आई मतलब मैंने सीखी लास्ट में तो कुछ कोई इजी वाला तो आई स्ट्रेस आ रही है. हाँ तीनों का तीनों कैसा मस्त. अरे एगो गीत नहीं इसी पेपर है तो कैसे मिलता है. मेन दिन का नंबर पेपर इस पेपर इस वाला मार्क्स ना तो और इसमें तो इतना अच्छा था. हाँ देखता नहीं मैं तो मुझे ओलंपिक 70 के आसपास कुछ भी जाएगा. हाँ एक बार सबका क्या है. चलो नेक्स्ट नेक्स्ट तो कमेंट दे है ना. क्या एक्सप्लेन व्हाई अ 10-year बॉन्ड विथ अ कूपन रेट ऑफ 4% वुड हैव अ लोअर ड्यूरेशन देन अ 10-year बॉन्ड विथ अ कूपन रेट ऑफ 2%.
क्यों? हाँ अब ये कितने मार्क्स का है? तो तुम इसको सजाओगी कैसे? फर्स्ट तुम क्या लिखोगी? फर्स्ट यू विल टॉक अबाउट व्हाट इज ड्यूरेशन. बताओ क्या होता है? एवरेज टाइम ऑफ कैश फ्लोज वेटेड बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज, है ना? एवरेज टाइम या वेटेड टाइम ऑफ कैश फ्लोज वेदर वेट्स आर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज. नाउ इफ द कूपन पेमेंट इज 4%, विच इज हायर देन द कूपन पेमेंट ऑफ 2%, हेंस द पीवी व्हेन यू कैलकुलेट एट 4% विल बी 4% वाला ज्यादा आएगा. तो हम लोग बोल रहे हैं डीएमटी ऑफ 4% विल बी लोअर. पीवी ज्यादा है तो इनिशियल वेट्स, अब देखो क्या होता है, पीवी 4% ज्यादा है 2% से, तो पीवी आपका 4% वाले कैश फ्लोज का एवरी ईयर ज्यादा होगा. बट इसका जो इफेक्ट होगा पीवी का, वो इनिशियल ईयर में ज्यादा होगा, लेटर ईयर्स में कम होगा, क्योंकि लेटर ईयर्स में आप ज्यादा साल का डिस्काउंटिंग कर रहे हो. तो वहां जाके समवॉट वो सिमिलर हो जाएगा आपका जो पीवी होगा. सो आपका ज्यादा वेटेज कब पड़ा? फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स में. और वहां पे आप क्या करोगे? ज्यादा वेटेज दोगे टाइम को, तो टाइम को ज्यादा वेटेज दोगे तो डीएमटी विल बी समवॉट शॉर्टर देन दैट ऑफ 2 ईयर्स, 2%. सॉरी, एक काम करो, इसको रीड कर लो. समझ में आया ना? अब देखो लिखने का तरीका, अब तुम लोग कैसे लाओगे लिखने का तरीका? अभी क्लास में तो हम लोग नहीं लिख रहे, कुछ कुछ लिखा था, कुछ कुछ नहीं लिखा. तो आप लोग जब घर पे लिखो, प्रैक्टिस करोगे, मेक श्योर यू डोंट स्किप द कमेंट्स, मेक श्योर यू टाइप इट, क्योंकि जब भी आप टाइप करोगे तो आपको वो और क्लैरिटी आएगा. ठीक है ना? सो रीड कर लो. रीड करो इसको. मैम ये वाला एक बार फिर से समझा दीजिए ना. समझ रीड करो फिर समझाऊंगी दोबारा. मैं समझा रही थी तब तुम कुछ और करी थी ना. एक बार रीड करो, देन आई विल एक्सप्लेन अगेन. ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं ना कि सपोज 4% वालों का पीवी अगर ज्यादा है तो डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा, तो वैसे वो डीएमटी का तो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा. क्लियर? समझाओ मिताली, बेसिकली क्या बोल रहे हैं आप? प्रेजेंट वैल्यू जो 4% पे निकालते हो तो ऑब्वियसली हायर आएगा ना, क्योंकि टू परसेंट कम है. अब इनिशियल ईयर्स में जब आप पीवी देखोगे तो वो ज्यादा हाई होगा, क्योंकि उसमें डिस्काउंटिंग इफेक्ट कम लग रहा है. लेटर ईयर्स में डिस्काउंटिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है तो वो उतना डिफरेंस नहीं फील होता बिटवीन 2% एंड 4% ऑफ, क्योंकि आइडियली हाफ ईयरली है तो 1% का ही डिफरेंस हो रहा है. आइडियली हाफ ईयरली में 1% का ही डिफरेंस हो रहा है तो वो इतना ग्रेट डिफरेंस नहीं होगा व्हेन यू कंपेयर फॉर द लेटर पार्ट्स ऑफ द ईयर व्हेन यू आर डिस्काउंटिंग इट. तो इनिशियल ईयर्स में पीवी विल बी हायर फॉर द 4% वाला. नाउ इफ इट्स हायर मतलब आप वेटेज ज्यादा, आपका पीवी हायर होने का मतलब वेटेज आप ज्यादा दे रहे हो ड्यूरेशन को, इनिशियल टाइम को. तो इनिशियल टाइम्स को जब आप ज्यादा वेटेज दोगे तो ऑब्वियसली पीवी आपका समवॉट शॉर्ट, डीएमटी आपका शॉर्टर आएगा इन 4% रादर देन 2%, क्योंकि आपका वेटेज ज्यादा कहाँ पड़ रहा है? इनिशियल ईयर्स में पड़ रहा है फॉर द 4%. ठीक है ना? यस मैम. नेक्स्ट इज ये, मैं सो 15 ईयर्स लेटर, 15 ईयर्स आफ्टर द इशू, इमीडिएटली आफ्टर द कूपन पेमेंट देन ड्यू, द कंपनी डिफॉल्ट ऑन द 25 ईयर बॉन्ड. मतलब 15 साल खत्म हो गया तो खाली 25 ईयर्स वाला ही बचा ना.
वो डिफॉल्ट कर दिया उसके ऊपर. बॉन्ड होल्डर्स आर अन डिफॉल्ट करने का मतलब पैसा नहीं दिया उसका कूपन पेमेंट का. बॉन्ड होल्डर्स आर अनेबल टू सेल देयर होल्डिंग्स एज द बॉन्ड्स वर प्राइवेटली इशूड. क्योंकि प्राइवेटली इशूड बॉन्ड्स क्या होते हैं, जैसे नॉट पब्लिकली अवेलेबल. मैंने खाली कीर्ति को दिया, मैंने खाली आदित्य को दिया, मैंने खाली मिताली को दिया और मैंने किसी को नहीं दिया. तो आपस में आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, आप बेच नहीं पा रहे हो किसी और को. ठीक है. सो देर इज नो लिक्विड मार्केट. लिक्विड मार्केट मतलब आप किसी को बेच, जैसे शेयर्स इज अ लिक्विड मार्केट, आप बेच सकते हो. ठीक है. बहुत शेयर्स होते हैं जिसमें उतना बाइंग सेलिंग नहीं होता, तो दैट इज इलिक्विड. प्राइवेट मार्केट मतलब जहां पे मैंने प्राइवेटली प्लेस किया है बॉन्ड्स को, आप किसी और, मैंने ओपनली नहीं दिया है, सो यू कैन नॉट सेल इट. ठीक है, इतने डिटेल में नहीं जाएंगे. द कंपनी ऑफर्स टू ऑप्शंस. अब वो तो 25 ईयर्स वाले हैं, उनको हम टू ऑप्शंस दे रहे हैं. 15 तो खत्म ना, 15 साल के बाद है. तो अब क्या बोल रहे हैं, द टर्म ऑफ द बॉन्ड रिमेन्स द ओरिजिनल टर्म 25 ईयर्स, नो फर्दर कूपन विल बी पेड एंड बॉन्ड विल बी रिडीम्ड एट 105. तो आपको हम कोई कूपन नहीं देंगे, 25 ईयर्स तक रहेगा, बट रिडेम्पशन 105% पे होगा. दूसरा, कूपन विल बी इमीडिएटली रिड्यूस्ड फ्रॉम कितना था, 1.75 था, अभी 1.25 पर एनम कर देंगे. एंड टर्म विल बी नाउ एक्सटेंडेड, मतलब कि 25 का वो 30 इयर्स. अभी हम लोग 15 साल के बाद खड़े हैं, तो 10 इयर्स और बचा है. पहला वाले में 10 इयर्स ही रहेगा, दूसरा वाला में वो 15 हो जाएगा. एज द रिजल्ट ऑफ द डिफॉल्ट बॉन्ड होल्डर्स एक्सपेक्ट अ 0.5% रिस्क प्रीमियम ओवर द स्पॉट रेट्स करंटली यूज. इसका क्या मतलब है कि जितना, देखो क्या होता है ना, जब एक कंपनी जितना ज्यादा रिस्की होता है उसका उतना ज्यादा हम RDR यूज करते हैं. रीजन बीइंग कि वो उतना ज्यादा रिस्की है तो उतना ज्यादा रिटर्न आप उस पे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उतना ज्यादा RDR आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उतना ज्यादा रिटर्न RDR रिस्क डिस्काउंट रेट. अभी जितना स्पॉट रेट दिया हुआ है आप सब में प्लस 0.5% कर दोगे, क्योंकि अब ये कंपनी रिस्की हो गया है. हाँ, वो सब ठीक है, बट जस्ट टू जस्ट अंडरस्टैंड कि क्यों आप ज्यादा, दिस इज अ रिटर्न, दिस इज एक्टिंग एज अ रिटर्न ना, आप उसको टान के ला रहे हो, सो दिस इज एक्टिंग एज अ रिटर्न. तो वो कम हो जा रहा है, भर जा रहा है, सॉरी, क्योंकि वो रिस्की हो जा रहा है कंपनी. उसको हम लोग रिस्क प्रीमियम बोलते हैं. आप लोग CB1 में और डिटेल्स में उसको पढ़ते हो. कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफॉल्टेड बॉन्ड अंडर द अंडर बोथ द ऑप्शंस एट टाइम 15. तो दो ऑप्शंस है. पहला वाला ऑप्शन बहुत इजी है, सेकंड वाला ऑप्शन में खाली बस आपको कूपन रेट चेंज करना है और टाइम चेंज करना है और आपका डिस्काउंटिंग रेट चेंज होगा. डिटरमाइन विच ऑप्शन, जिसमें पीवी ज्यादा आएगा वो बॉन्ड होल्डर्स एक्सेप्ट करेंगे. करो ये वाला क्वेश्चन. इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखो कहां से लिया ये रेट्स. नहीं, ये वाला रेट देखो, गलत बोल रही हो, ध्यान से देखो, J6 से लिया रेट्स. अच्छा, रेट का वो अलग है, 1.76. हाँ देखो ना, यहाँ नया रेट्स ले लिया इन लोग. अरे समझो, मतलब 15 साल के बाद जो रेट था वो आएगा ना विधर, ये वाला रेट 15.5 वाला. बस इसमें अब खाली प्लस हम लोग को कर देना है ना. हाँ, 0.5% प्लस कर देना है. तो इन्होंने किया है क्या, प्लस किया है शायद प्रीमियम. Yeah. ध्यान से देखो. ठीक है, चलो हम लोग करते हैं. एक बार आ जाओ ना, एक बार तुम लोग क्यों इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो तुम लोग. हम लोग को तो खाली दो ऑप्शंस जो है हम लोग को उनसे डील करना है ना. सो लेट्स डू वन थिंग. आई डोंट नो व्हाई दे हैव मेड ओरिजिनल वाला भी यहाँ पे, बट स्टिल इट्स नॉट रिक्वायर्ड. व्हाई हैव दे टेकन ओरिजिनल, वी विल नॉट डू द ओरिजिनल. सो जस्ट लीव इट. हम लोग यहाँ पे रिस्क प्रीमियम एड कर देते हैं. कितना का पॉइंट, मतलब कि 0.005 होगा अगर तुम लोग वैसे लिख रहे हो तो. तो ड्रैग दिस एंड देन यू कैलकुलेट द न्यू DF विच इज
प्लस दिस एक बार देख लो मेरा, फिर तुम लोग करना, वरना तुम लोग बार बार पूछोगे मैम प्लीज शो, मैम प्लीज शो. तो ये हो गया, अभी इसको व्हील ड्रैग, ठीक है आ गया ये पूरा अपना. यप ये हो गया. अब ऑप्शन वन का निकालते हैं. ऑप्शन वन में क्या क्या चाहिएगा? कैश फ्लोज एंड पीवी एंड उसका सम. तो खाली दो कॉलम्स बनेंगे, कैश फ्लोज एंड पीवी. दैट्स इट, दिस इज योर ऑप्शन वन. कैश फ्लोज कितना है फर्स्ट ऑप्शन में, कितना परसेंट है अभी? अबे ओरिजिनल क्यों बनाना है? नहीं बनाना है, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला इन्होंने बनाया, हम नहीं बनाएंगे. 0% है ऑप्शन वन में, तो कुछ नहीं है. खाली 105% इज योर रिडेम्पशन. तो ये अपना हो जाएगा 0. कहां तक जाएगा? ओरिजिनल टर्म रिमेन्स द सेम और 10 ईयर्स ना, तो इधर खाली ये वाला अपना हो जाएगा. हंड्रेड का 105, ठीक है देख लो, देख लो फिर तुम लोग बार बार पूछेगा क्या किया क्या किया. दिस इनटू दिस एंड यू ड्रैग एंड देन इसका सम. फिर नेक्स्ट ऑप्शन, कितना है इसमें कूपन रेट? 1.25. क्या बोले ना कृति, कहां कीर्ति, इसीलिए तुमको कृति कहां. तुमको लगने से कुछ नहीं होगा, लगने से गलत होगा. बट इसका योर्स कितना हो जाएगा? और 5 साल एक्सीड ना, तो अपने कहां तक लेके जाएंगे? 14.5. अपने टाइम 15 पे खड़े हैं, 10 ईयर्स का और बचा था, बट अभी 5 साल एक्सीड हो गया, तो अब 15 ईयर्स का हो गया ना बेसिकली, ठीक है. और यहाँ पे अपने बस क्या ऐड कर देंगे, कितने परसेंट पे हो रहा है रिडेम्पशन देख के बताओ. तो एट पार हुआ, मतलब इसको हटा दो फिर. एंड ड्रैग ड्रैग इसको यू जस्ट ड्रैग इट टिल द एंड, ठीक है. तो ये दोनों का पीवी आ गया अपना, ये और ये. अब पार्ट बी में था, बताना कि कौन सा बेटर है.
So you can just write maybe PV of option 1 and PV of option 2. इसका ना फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट नहीं होता ना, कुछ बनाना चाहिए इनको. ये ऑलरेडी यहाँ पे है तो तुम ऊपर में क्या लोगी. बट इसका कुछ शॉर्टकट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं क्या, मैक्रोज यूज करना होता है. चलो तो ये आ गया, कौन सा बेटर है बोलो. कृति बताएगी, कीर्ति बताएगी सॉरी. चलो क्यों, किसके लिए पूछा गया, कंपनी के लिए ना पॉलिसी होल्डर के बॉन्ड होल्डर के लिए. हो गई ना कंफ्यूज, हो गई ना कंफ्यूज. बॉन्ड होल्डर कम चाहेगा कि ज्यादा चाहेगा. ये पीवी किसका है, किसको मिल रहा है पैसा, तो पीवी कम चाहेगा कि ज्यादा. So option 2, clear. तो आप लोग लिखोगे as PV of option 1 is less than PV of option 2, then the bondholders will choose option 2, या फिर should choose option 2. ये confuse नहीं होना है इसमें आप लोगों को. AC adjust करो, 25 करो. एक पॉइंट. नेक्स्ट करें. क्या तुम पूरा जाग नहीं की होगी सम. कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड एट टाइम 15 अंडर द ओरिजिनल कंडीशन एंड अंडर ईच ऑफ द अबव कंडीशंस. इसीलिए इन्होंने निकाला होगा. तो ओरिजिनल भी बोला है और दिस ऑल्सो दे हैव मेंशन. सो वी मेक अ कॉपी ऑफ दिस शीट. पार्ट 4 है ना ये, इसको हटाते हैं.
इसमें हम लोग ना ये ऐड करते हैं कॉलम्स एंड लेट्स मेक दिस ओरिजिनल. कुछ नहीं करना अभी, बहुत इजी है. जस्ट कैश फ्लोज है, पीवी है, हम लोग को वो डीएमटी का न्यूमरेटर भी निकालना पड़ेगा. ठीक है, पहले तो ये मैं फटाफट ओरिजिनल वाला करते हैं. ओरिजिनल वाले में क्या था अपना वो ये कूपन. और ये पूरा कितने इयर्स का होगा? और 10 इयर्स का ही होगा ना. एंड इसमें यू जस्ट नीड टू ऐड ठीक है, कूल. लेट्स ऐड अ न्यू and this will be DMT numerator ka. To ye jitna fast aap kar sako. Obviously. तो बस हो गया. कैसे निकालते हैं न्यूमरेटर ऑफ डीएमटी? दिस इनटू टाइम. टाइम को मैं काम करती हूँ, मेकिंग द कॉलम इज एब्सोल्यूट सो दैट आई कैन ड्रैग इट. कॉपी पेस्ट एंड यू ड्रैग. ठीक है, डीएमटी अंडर ईच ऑफ द ऑप्शंस. सो ड्यूरेशन अंडर ऑप्शन 1, 2, 3 आप लोग ऐसे लिख देना. हेडिंग्स आप लोग लिख देना, एक सेकेंड, हेडिंग्स आप लोग लिख देना तो आप लोग का ये आ जाएगा बैग. योर्स लिखना एकदम मत भूलना. मैच करो आंसर्स.
सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो अब मैंने बस क्वेश्चन रीड किया और मैंने ये बोला है कि दे हैव सेड दैट ऑल्दो ऑप्शन टू इज बेटर इन टर्म्स ऑफ पीवी, स्टिल दे हैव सिलेक्टेड ऑप्शन वन। व्हाट इज द रीजन दैट दे हैव सिलेक्टेड ऑप्शन वन? नाउ पीवी इज ऑलमोस्ट सिमिलर, थोड़ा सा डिफरेंस है एकदम 3 का, बहुत कम डिफरेंस है। एंड अगर हम लोग डीएमटी का बात करें, पीवी में देखो, पीवी में ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। डीएमटी जो ऑप्शन वन का है इज मोर क्लोजर टू द ओरिजिनल डीएमटी। ओरिजिनल इज 9.1 एंड हमारा है 10, विच इज क्लोज। एंड जो थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन टू है बेसिकली, उसका काफी लॉन्गर ड्यूरेशन है। सो लॉन्गर ड्यूरेशन हो सकता है बॉन्ड होल्डर्स के लिए सूटेबल नहीं हो। क्यों नहीं? क्योंकि उनको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पैसा वापस मिलेगा। देखो, आपको क्या हो रहा है, एक रेगुलर कैश फ्लो ऑफ 0.63 मिल रहा है, बट आपका जो ये इनकम है 105 का और ये 100 का, तो ये जो 105 का एक लमसम मिल रहा है, 105 डॉलर्स, ये मुझे 10 ईयर के बाद ही मिल जाएगा। मुझे और 5 साल नहीं वेट करना टू गेट द लमसम। सो विच इज बेटर? लाइक आई फील, इफ आई जस्ट विदाउट एनी कैलकुलेशन, आई फील भाई मुझे 10 साल में अपना पूरा पैसा मिल रहा है, आई डोंट हैव टू वेट फॉर अनदर 5 ईयर्स। एंड एक और चीज, वो तो चलो ठीक है, मुझे 105 मिल रहा है क्योंकि वो तो कंपेंसेट हो रहा है ना, आपको कूपन नहीं मिल रहा है। एक और चीज, ड्यूरेशन जितना ज्यादा होगा क्रेडिट रिस्क उतना ज्यादा होगा। क्यों? अभी क्या हुआ, 15 साल बाद कंपनी डिफॉल्ट कर दिया, हो सकता है 10 साल बाद कंपनी डिफॉल्ट कर दे, तो वापस ये जो 5 साल और एक्सीड हुआ ये और इन लोग एक्सीड कर देगा। तो ड्यूरेशन जितना ज्यादा होता है क्रेडिट रिस्क उतना ज्यादा होता है, दैट इज वन। सेकेंड, इन्फ्लेशन रिस्क। आपको और सोचो, 15 साल बाद 100 रुपया मिल रहा है एंड यहाँ 10 साल बाद आपको 105 मिल रहा है, तो और 5 साल का इन्फ्लेशन भी तो बढ़ गया, बट इन्फ्लेशन तो कंसिडर हमने किया नहीं क्योंकि फिक्स्ड कूपन है। हो सकता है देयर माइट बी सर्टेन टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर द पॉलिसी होल्डर्स। टैक्स होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर्स को हो सकता है कि मैंने इनिशियली 15 साल 25 साल का लिया था बॉन्ड, तो मेरा कोई रीजन रहा होगा ना कि 25 साल बाद मुझे घर खरीदना है, 25 साल बाद मुझे कुछ लेना है, तो मुझे 25 साल बाद एक लमसम पैसा चाहिएगा, तो मैंने 25 साल का बॉन्ड खरीदा। तो अब जब वो बॉन्ड को और 5 साल एक्सीड कर दिया तो मेरा तो बेनिफिट खत्म, तो मैं 25 साल बाद जो मुझे पैसा चाहिए मुझे वो 25 साल बाद ही चाहिए। तो जहां पे ड्यूरेशन नहीं चेंज हुआ, विच इज ऑप्शन वन, वो मैं यूज करूंगी। सो आई माइट हैव सर्टेन लाइबिलिटीज। तो ये सारा जो चीज है ना, ये आप लोग को लिखना होगा। यू कैन नॉट राइट रबिश, यू कैन नॉट राइट पीवी सेम है, यू कैन नॉट राइट डीएमटी कम कम है। 6 मार्क्स का 6 गुड, मिनिमम गुड पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एक बार इसको गो थ्रू करो, सल्यूशन को। कोई डाउट है तो पूछो, देन वील आई गिव यू अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स एंड वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेपर।